हेलो 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 हाँ जी अनिल तवर बोल रहा है। नहीं निशा तवर बात कर रही हूँ। अनिल तवर से बात करनी थी मेरे को। मैं धीरज बोवाना बोल रहा हूँ तिहाड़ जेल से। कहाँ से? तिहाड़ जेल से। नीरज बोवाना। नीरज बोवाना। हाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी सर। इम्पोर्टेंट नहीं बस उसको ये बोल देना मैं आप शायद मैंने अगर आपकी अनिल के साथ बात हो तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। ये बोल देना कि जो आजकल इन्होंने जो भी मुद्दा छेड़ा हुआ ना तो किसी भी बरादरी को टारगेट ना करे। जो भी तंग कर रहा है कोई एनी पर्सन उसको चाहे उसकी टांगे तोड़े बात हो समझ रहे हो आप या कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं। पर किसी भी बरादरी को टारगेट ना करे चाहे राजपूत हो ब्राह्मण हो जाट हो। यहाँ पे अंदर मेरे साथ सारे हरिजन भाई के हैं वाल्मीकि भाई के हैं ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं एक फोन कर देता हूँ समझा देता हूँ मैं। ताकि अगर ये बोलने की मैं नहीं जानता नीरज बोवाना को उसको बोलना की यूट्यूब से लेके गूगल तक पुलिस स्टेशन पूरी दिल्ली में जहाँ मेरा नाम पूछ लेना वो बता देंगे कौन है नीरज बोवाना। या किसी से मैं जाती हूँ उसको बोल देना बस आप एक बार भाईचारे में। नीरज जी मैं एक छोटी सी बात होता हूँ देखो मैं भी इसमें मैं भी करती हूँ सारा काम इसमें सब कुछ मैं भी देखती हूँ। नीरज जी इसमें ना तो किसी भी पर्टिकुलर मतलब किसी भी कास्टम के लिए ना जाट के लिए ना ब्राह्मण के लिए ना राजपूत समाज के लिए ना किसी अदरवाइज के अदर किसी भी कास्ट के लिए ऐसा नहीं बोला गया। जो अपने मैं बता नीरज जी हाँ नीरज जी आप पहले मेरी बात सुनोगे फिर उसके बाद हाँ ठीक है। मैं देखती हूँ क्योंकि लाइव मैं भी देखती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे किसी जैसे सतपाल जी ने बोल दिया जी ठीक है जैसे अपने पास दीपक शर्मा है दीपक शर्मा की लगातार कॉल आई थी गाली गंदी गंदी गाली है दीपक शर्मा देखो सुनो दीपक आप सुनो नीरज जी उसके बाद में ओकंदर राणा को सतपाल जी के ऑफिस पर आके उसको गंदी गंदी गालियां देखे जाता है ना। जब सतपाल जी का कहते सोच मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। सतपाल जी की जो राय होती हमेशा ये रहती मैं उन मनुवादों को बोला जो जो कि मेरे ऑफिस पाके जो मेरे को ऐसे ऐसे बोल के जाते हैं मैं उनका जीजा लगता हूँ। तो बताओ इसमें पूरे सवाल को कैसे गाली देती आप टारगेट मनुवादी पता क्या जी मनुवादी तो जात भी आपको पता नहीं होगा मैम राजपूत भी है मनुवादी तो आप समझ नहीं रहे मनुवादी मेरी बात सुनो मनुवादी का मतलब ये कि उन्होंने ये भी तो बोला जो मेरे को गाली देता है आप सुनो ना आप पहले वर्डिंग सुनो जो मेरे को गाली देता है मैं उन मनुवादों को बोल रहा हूँ सबको नहीं बोला उसने आप पर्टिकुलर अब मैं आप शायद मेरे से एज में छोटी हो ठीक है ना शायद आपका बड़ी हो सकती है गाली दूँ किसी को बात कराने का ठीक है मेरी बहन गलत बोल रहा हूँ। मेरी ऐसी आदत बहन की मैं किसी को फोन करके गाली दूँ बिल्कुल।